अली गाइस ए वाला काम नहीं होना, ये कोर्स पढ़ाएगा उतना। देखो अभी इधर गाइस, ये मेरी चीज है, ये बना देगा घर को पूरा रेस्टोरेंट। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बुआ, तेरा बर्थडे यार का बस सुखा सुखा ही मनाना वा। तेरा बड़ा भैया तेरा बड़ा बिजी है ते कुछ इना कर नहीं सकया। कोई नहीं, सवेरे सवेरे तेरा बर्थडे वधिया मनावा। वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल डूइंग वेल। अरे जा बच्चे, बुआ कितने साल दी हुई, दस दे। 360 है, 360 कुड़ियां दा ही हुंदा वा। जमे मैं कहना 4 over 23 स्वीट 16 ते प्लसा वाली 4 over 20 ने। हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी वेला कि अपनी बुआ दे कुड़ी दे उठ गई, आई मैं ते चेता बड़े दा ठाटा थक जी दा। सवेरे तेरी तेरा भैया बहुत कुछ करेगा, टेंशन नहीं लेनी तू, बस तू रेस्ट कर ले। पर गाइस आप बाहर नहीं जा सकते ते घर नु ही बाहर बनावांगे। ए काका, ये सुते सुते पू पू करा दे, ये देखो बुआ दा बर्थडे होइया। कहिंदी इंग्लिश च गल करनी, फिर मैं नोखे नोखे शब्दां दी इंग्लिश लभदा रहना वा। जिवें कहना मामू ला दे ला दे ला दे, फिर मां की इंग्लिश की बनाई है दी मैं, मामू मूवी टू मूवी टू मूवी टू कुछ कुछ और बनाया शायद मैं, नहीं बनाया यही होना। तो गाइस हमने अपनी पोतली निकाल ली है डेकोरेशन वाली, बिना डेकोरेशन के बर्थडे करने का मज़ा ही नहीं आता। तो बहना का बर्थडे है, बहना ने बेबी वेलकम में कितनी हेल्प की और चेतना के बर्थडे में कितनी हेल्प की, तो अभी भाई का फर्ज बनता है उसको भी कुछ ना कुछ अच्छा सा सजा के और अच्छा सा प्रेजेंट दे के खुश कर दे। जो इस बार डेकोरेशन होगी कुछ अलग तरीके से होगी, ये नहीं, ये बड़ी सस्ती होगी, ये कम से कम सिर्फ आपकी जो डेकोरेशन देखोगे सिर्फ 150 या 200 रुपये में हो जाएगी। ज़्यादा दाम चाम नहीं करेंगे, लेकिन देखना आप बोलोगे कि पता नहीं कितने हजारों वाली कर दी है। इसके लिए आपको बस ये डिफरेंट कलर के ना बैलून्स होने चाहिए, बस और कुछ नहीं ज़्यादा चाहिए। इससे ही हम सब क्रिएटिविटी करेंगे। बैलून्स अगर चाहिए होंगे फिर आपको पता कहाँ जाना पड़ता है हमें, मायन शॉप। मायन शॉप जाना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, देख लेना। बुआ इतने डकता है कि बुआ तू बाहर नहीं आना। कलरफुल बैलून लेके उनको फुला के वो चार चार का बंडल बनाना, मैं दिखाता हूँ आपको। इस मेन ध्यान रखना है कि ये पूरे बराबर फुलने चाहिए, इसलिए मैंने एक पॉइंट से इधर लेके सेंटीमीटर कर लिया 20 सेंटीमीटर। बैलून को फुला के इसके बीच करना है, अगर ये दोनों सही हो गया तो ये ओके है। बैलून सेम साइज के फलान तो बाद चार चार का तुम सैट बनाना जी, इन दोनों लैके हर कलर के बैलून के इदा के तीन तीन सैट बनाने। इस एक घंटे की मेहनत ला के बस हली गुब्बारे ही फुले ने, हूँ एक घंटे की मेहनत हो लगेगी तो आउटपुट निकल आएगी। हली गाइस ए वाला काम नहीं होना, ये कोर्स पढ़ाएगा वो लैन जाना पैना, एक सरप्राइज होर है। देखो आप बाहर जा नहीं सकते क्योंकि भला साहब 40 डेज पूरे होने फिर ही बाहर निकलेंगे, इस करके आप घर ही रेस्टोरेंट सद रहना कि देख दे रहे हो कि सदा। इस वेल बनाने के लिए आपको बोला है ना, एक एंड पर एक डोरी बांधनी है, ये लेंगे गाइस, ये आउटपुट निकली है अभी तक, तो अभी इसको यू शेप में लगाएंगे। गाइस भला साहब ने करेक्ट किया, यू शेप नहीं आनी, ए शेप आनी, ए करके यू नहीं आना। गाइस जो मैं सोचा है वो चीज़ नहीं होनी, क्योंकि बैलून थोड़े घट फलाए ने और फलाने पैने, फिर इन्ना टाइम नहीं गा, बहुत टाइम हो गया, फिर यही चीज़ करती आपस करती। हूँ ये एक चीज़ होर बनावांगे तुहानू मैं। गाइस वो क्रिएटिविटी होई नहीं, आप नवी क्रिएटिविटी कर लगे, आप एक सनफ्लावर बना लगे, सनफ्लावर बनिया खिड़िया खिड़िया रेनबो कलर ये वो, सानू एक वड्डा बैलून चाहिए वा, पूरा नहीं फलाना थोड़ा फलाना, इन्ना जहा फलाना है, वड्डा बैलून है वा, तो एक इतों फड़ के इन्हों। गाइस बैलून मेरे को ज़्यादा फुल गया तो रबड़ ना नहीं होंगे, आप फिर रील ले लेंगे जिस नलकी डोर ना इसको ऐसे करके, जैसे ये जो होता है ना जी, इसको पकड़ के ऐसे उसके आले दुआले लपेट देना है कर देंगे। अभी छोटे छोटे बैलून फ्लाएंगे, उसको इसके बीच बीच में डाल देंगे, ऐसे छोटे छोटे फ्ला के ना, इसको इस डोर के और उसके साथ हो जाए ना रबड़ के साथ, तो ज़्यादा बढ़िया होता है। ऐसे 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 इसको पूरा कवर करना है। देखो अभी क्या रखो आ वाला सनफ्लावर की गल कर रहे हैं, ऐसे ही हूँ इनू आपे लावे लेने वो जाना है, पहले इसका काम थोड़ा सा रह गया, आप तब तक पूरी देखो।
की डेकोरेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप मुझे मोटिवेट और करोगे कि बहुत बढ़िया लगी, लाइक दोगे वीडियो को, तो मैं सोच रहा हूँ डेकोरेशन का काम खोल ही लूँ। बुआ अभी नहीं आऊँगी मैं, पूरे रेडी होके आऊँगी। रेडी फिर उदो बाद हो जी ना, फिर तेरे लिए एक और सरप्राइज है। बुआ नहीं अपना इन्ना ही कुछ कर सके। बुआ दिखी ले किन्ने दे पार्सल आए हैं, थोड़ी जी अनबॉक्सिंग कर लिए। तो गाइस इस बार अनबॉक्सिंग कुछ अलग तरीके की है, हमने अपने बेबी के लिए बड़ी अट्रैक्टिव और यूनिक ड्रेसेस मंगवाई हैं, तो आपको बताना तो हमारा फर्ज है ही है। ये देखो एक गाइस, एक ना है क्यूट या फ्रॉक सूट मंगाया, तो आगे बड़ी घेंट लगनी एंड। एक गाइस बड़ी एंड चीज मंगाई, वो वेख के तुम मतलब फैन ही हो जाओगे। एक मंगाया कुकड़, और याद आ गई जरा एक बड़ा होंगे ही फेमस चिकन लैग पीस। सारिया ड्रेसा पा के ना एक एक फोटो जरूर खिंचने, फर्स्ट डे तो लैके 30 डे तक रेगुलर फोटो खिंचते हैं, तो वह इंस्टाग्राम पेज बनावे बेबी का, तो फिर वो तुम सारिया विखावे। अपने बेबी लिए सब कुछ मंगाया तो पर अपना अपने साल में ही नहीं भुल सकते गाइज, वो मेन बंदा जो उन्होंने जो भुल गए तो उन्हें नाराज हो जाना। और वो आप दो टी शर्ट मंगवाई हैं, एक मंगवाई है वाली सुपर किट भैया साढ़ा है सुपर है वाली टी शर्ट एंड चीज और होए लेडीज शूज वेखो ये शूज का कलर वेखो कि यूनीक ने अट्रैक्टिव जे लग रहे ने। तो गाइस जिन्हें भी है वाला समान लेना लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। गाइस एक फ्रॉक तो तुम दसना भुल ही गए, भुलने वाली आदत नहीं हटी जा सकती कभी भी। आ फ्रॉक वेखो जो सारिया फोटो तुम इंस्टाग्राम से शेयर करा गाइस। यही चीज़ा अनबॉक्सिंग हो गई, डायपर डुइपर बेबी के कपड़े अपने ही की करने होना, वा बेबी अपने चमका के रखना। इस बार बॉबली के लिए केक कराया ना, वो अलग बेकरी से करवाया, और वो बेकरी ना थोड़ी चीप है और वही क्वालिटी वाले केक बना देती है जो मैं दूसरी बेकरी से लेता था। अगर वो केक खाने में टेस्टी हुआ और डेकोरेशन तो आपको पता चली जाएगी क्लिप में, तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा वहीं से केक बनवाना आगे से। पब्लिक के लिए सेकंड सरप्राइज था वो ये केक ही है, वो केक ही मैंने उस हिसाब से बनाया जिसको वो देख के मतलब कि शॉक हो जाएगी, तो आप वेट करें वो केक आप देख के आप भी शॉक हो जाओगे। भैन मेरी जदों की जम्मू तो आई है ना, वो कहती प्रिंस भैया इतने साढ़े ना मोमोस नहीं वधिया मिलते बर्थडे से, मैं तुम्हें एंड जे मोमोस कहूँगा। एंड मोमोस लारम रोड के सामने एक रेहड़ी जी मार्केट छोटी जी, उतों मिलते तुम मैं खाना। केक आ चुका है, अभी पब्लिक रिएक्शन देखने का टाइम है। ओ भैने आ जाओ हुण, कोई बाहर थोड़ी चले आ, इन्ने लेपोतियां कर दियां जे नहीं ये की भाभी तेरी ठीक नहीं, तंग करनी है ना कर, नजर नहीं लवानी इन्नी ध्यान ना। मैं वेख रहा ही क्लिप दे विच कि तुहानूं इहदी मेरे ख्याल नाल पूरा टाइम लैप्स जां नहीं पता लगा। एक तो मैं इन्हां दसदा ही ना, उस तों बाद ना गाइस इदां दे जिहड़े दो दो फलाए ना कंबीनेशन वाले वो फला के ते इहदे उत्ते इदां इदां पेस्ट करी जाणे विच्चों कढ के, तो फिर ए फ्लावर दे टाइप जहाँ बन जूगा एंड चीज़ बनती है। फिर घर को रेस्टोरेंट जैसा बनाने के लिए वो चीज़ भी आने वाली है, बस फोन आ गया भैया का, मैं वो भी लेके आता हूँ। ये मेरी चीज़ है, ये बना देगा घर को पूरा रेस्टोरेंट टाइप बारबेक्यू बॉक्स। मैं इसमें आपको बताऊँगा आज क्या क्या आइटमें होती हैं, और ये मतलब की बड़ी एंड चीज़ है। और हमारा पौधू भी तैयार हो गया है, ड्रामा नहीं होता नजर, वो फिर वो कंबीनेशन बनाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पोपली, हैप्पी बर्थडे टू यू।
बर्थडे संपर्क हुआ। इस केक बहुत एंड था द बॉम्बे बेकर्स हॉल बाजार में है शॉप एंड वर्थ है तुम कर सकते हो ट्राई। बड़ी क्रिएटिविटी वाले केक रीजनेबल रेट च मिल जाने। कुड़ी दे मोमोज मोमोज तेरी जान वसदी है ट्राई करके देख। सबसे अच्छा गिफ्ट वे वे पर ट्राई मैं देखा मैं ता ही मैं वेट कर रहा हूं मैं तेरी वीडियो बनानी तेरे सवाल लगे कि नहीं सही तो सही नहीं स्वाद होंगे तो भी कह दे ठीक है जो पिछली बार करा था ना उस सपोर्ट है पर जम्मू वाले मुकाबले दे नहीं गए लेवी मुझे मुकाबले दी है हरियाली गाइस बेस्ट जगह ले गए हरियाली गाइस अभी इस टाइम टू ओपन द बीस्ट इसका टाइम आ चुका है। मोमोज खा के मजा आ गया पर इन्ने मैनू भी सही सही जे लगे इन्ने खास नहीं लगे। ऐसे तो तुम दस दे की आइटम है वैसे घर छोटी जी पार्टी करनी हो ना तो बॉक्स वधिया रहिंदा बंदा हुण आपां वेखदे कि असीं तीन जने आ भला साहब ने कुछ खाना नहीं क्वांटिटी सही हैगी है कि नहीं हैगी मैं डब्बा संभाल लो डब्बा वधिया है। गाइस सबसे पहले क्या निकल रहा है ब्राउनी ते गुलाब जामुन मम्मी ने मुंह च पानी आ गया ते ए हलवा हलवा हलवे दा केक पर जब आ उत्थे जाईदा ओने ना पान वाली कुल्फी बड़ी एंड हुंदी है दही कढ़ाई पनीर हो क्वांटिटी सही है गाइस एक जने नहीं लिया घट्टो घट्ट तीन जने खा सकते हैं। बटर पनीर हो चावल राइस भी अंदर मैं भी परौंठे दो ऐड एक्स्ट्रा कर ले मैं दो एक्स्ट्रा परौंठे मंगाए हुए दो दिन मैं चार मंगवाए दाल मखनी चेकिंग तो मैं इन्होंने 10 out of 10 दिना सलाद सलाद उनका मासा और घट दे देना थोड़ा पा दे देना एडा बड़ा डब्बा लाता पापे वाला दो फूल सलाद पाई चम्मच परौंठे आगे वो क्या कहते हैं स्टार्टर स्टार्टर छे छे पीस कहते हर एक आइटम का होगा गाइस छे पीस पाइनएप्पल छे पीस मशरूम ये छे पीस चांप छे पीस पनीर वो भी पानी आ गया एक डब्बा रहेगा लास्ट ये दही के कबाब और आलू के कबाब गाइस वर्थ है वा ठीक है 800 पता नहीं किन्ने दा ही मैनू चंगा नहीं स्विगी ते कोई ऑफ भी चलन दी ते मैनू 20-30% डिस्काउंट भी मिल गया ही वधिया वा ठीक है पर ऐ वा कि जाके खाने का मजा अलग पर गाइस मैं भला साहब नूं कहना है कि उत्थे जाके ज्यादा वधिया कि आपां होर ज्यादा कुछ खा सकते लेकिन भला साहब ने कहा कि इत्थे आपां तीन जने ने खाना वो तो फिर एक जने नूं मिलना कितने 2700 लगना कितने 800 रुपये सर जा भुख तो उन्नी जी लगती है बाकी तुहानूं पता पैसे पूरे करन दे चक्कर च सारे जने वध तो वध खांदे ने पूरा फुल हो गया यार सिर्फ स्नैक्स ही पेट भर गया हमने अभी वो डिनर वाला अभी चखा ही नहीं है उसको बाद में देखेंगे अगर भूख लग गई सोने तक। गाइस ऐसे ही बर्थडे ये वो छोटी छोटी यादें कैप्चर करते रहें और मनाते रहें कभी भी इनके लिए कंजूसी ना करें क्योंकि ये चीज़ें तो आपको पता यही चीज़ें याद आनी है बाद में जब बुजुर्ग हो जाएंगे बूढ़े हो जाएंगे कि हमने ये किया वो किया। तो इसी नोट पर वीडियो भी खत्म करते हैं अगर वीडियो पसंद आई है स्मैश द लाइक बटन चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना आपको मिलेगी अगली वीडियो में तब तक के लिए आस्ता लिवास्ता बाय बाय टेक केयर चाओ।